नमस्कार स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में दोस्तों शेयर मार्केट में रोज़ के रोज़ नए नए मल्टीबैगर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और रोज़ के रोज़ आप लोग देखते होंगे कि जो शेयर होल्डर हैं इन्वेस्टर हैं बहुत पैसा बना रहे हैं तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही शेयर्स आप लोगों को बताने वाला हूं जिन्होंने कि अपने शेयर होल्डर के लिए मल्टीपैगर रिटर्न बताए हैं और सबसे पहले तेजस नेटवर्कस के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या सोमवार के दिन यहाँ पर लोअर सर्किट लग सकता है साथ ही साथ एफ एल इंडिया के अंदर दो दिन से लगातार अपर सर्किट लग रहा है इसका स्टॉक स्प्लिट होने के बाद फिर से गुड न्यूज़ जो है एफ एल इंडिया के अंदर आ रही है और एक तीसरा शेयर जो कि बहुत ही छोटा शेयर है इस कंपनी ने दो दो धमाके एक साथ कर दिए हैं डिविडेंट और बोनस दोनों के दोनों ये कंपनी इश्यू कर रही है दे रही है तो यही तीन स्टॉक्स के बारे में आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उससे पहले डिस्क्रिप्शन में चार लिंक दिए गए हैं अप स्टॉक जीरोदा एंजल वन एंड एलिस प्लू चारों के लिंक पे क्लिक करें अकाउंट ओपन करें और इंजॉय करें चारों की सर्विसेज तो सबसे पहले दोस्तों तेजस नेटवर्क्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं हाल ही में तेजस नेटवर्क्स को एयरटेल के साथ इसकी बहुत बड़ी डील हुई अपर सर्किट यहां पे शेयर के अंदर लग रहे थे लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली वैसे तो अगर देखा जाए तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड ने पिछले एक साल के दौरान पाँच प्रतिशत के रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को के लिए बना के दे दिए आप लोग देख सकते हैं एक साल पहले कितने नीचे स्तर पर ये शेयर जो है ट्रेड हो रहा था उसके बाद गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम आई पीएलआई के लिए इसने अप्लाई किया उसके बाद जबरदस्त शेयर में उछाल आता रहा दिग्गज इन्वेस्टर मिस्टर विजय केड़िया जी ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था और ये जो कंपनी है पिछले चार से पाँच दिनों के अंदर इस कंपनी के अंदर ये गिरावट का माहौल बना हुआ है ये माहौल क्यों बना हुआ है क्या इस शेयर के अंदर आप लोगों को करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उससे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि तेजस नेटवर्क्स के क्वार्टर टू के जो आंकड़े हैं वो 20 अक्टूबर के दिन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे बहुत बड़ी ये खबर है शेयर होल्डर के लिए और उन लोगों के लिए जो तेजस नेटवर्क्स जैसे ये मान लीजिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड शेयर्स में 5G से रिलेटेड शेयर्स में इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो 20 तारीख को आप लोग यहाँ पे नजरें जमा के रखिएगा क्योंकि आंकड़े अच्छे खासे इस कंपनी के आ सकते हैं कंपनी जो है ये मान लीजिए इंटरनेट से रिलेटेड 5G से रिलेटेड सपोर्ट प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है और इसीलिए ये कंपनी न्यूज़ में भी रही थी लेकिन गिरावट क्यों देखने के लिए मिल रही है गिरावट का रीज़न जो है यहाँ पे पता लग गया है गिरावट का रीज़न आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर विजय केडिया जी जो कि जाने माने इन्वेस्टर हैं उन्होंने इस कंपनी के अंदर एक परसेंट से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जून क्वार्टर तक जी हाँ जून क्वार्टर तक एक परसेंट से ज़्यादा जो है आप लोगों को पता है जिस भी इन्वेस्टर के पास किसी कंपनी के अगर पब्लिक इन्वेस्टर के पास एक परसेंट ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है तो वो उनको बताना होता है एक्सचेंजेस को, एक्सचेंजेस को भी पूरे शेयर होल्डर को बताना होता है सभी को बना, बताना होता है पब्लिकली तो इनके पास जून क्वार्टर तक एक परसेंटेज से ज्यादा की शेयर होल्डिंग थी किसके अंदर तेजस नेटवर्क्स के अंदर विजय केडिया जी की लेकिन अभी जब ये सितंबर के शेयर होल्डिंग आउट हुई है तो सितंबर के शेयर होल्डिंग में विजय केडिया जी का नाम तेजस नेटवर्क्स की शेयर होल्डर्स की लिस्ट में नहीं है यानी कि उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो वन परसेंटेज से रिड्यूस हो गई है क्योंकि वन परसेंटेज के ऊपर होती तो ज़रूर उनका नाम होता तो इसका मतलब क्लियरली दोस्तों यहाँ पे ये यह है कि मिस्टर केड़िया जी ने यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दी है अब ये तो चलो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं इन्होंने अपने शेयर्स यहाँ पे निकाल दिए हम लोगों को क्या करना चाहिए रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए मैं कहता हूँ कि जो तेजस नेटवर्क्स शेयर है ये एक लॉन्ग टर्म बाय होना चाहिए आप लोगों को दिमाग में भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए और बाय ऑन डिप्स के मेथड यहाँ पे अपनाने चाहिए अगर यहाँ पे सोमवार के दिन गिरावट होती है आप लोगों को ये शेयर नीचे स्तर पे आते हुए दिखता है चार सौ अस्सी तक तो अच्छी खासी बाइंग आप कीजिए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जी हाँ दोस्तों हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पे बाइंग कीजिए कोई दिग्गज इन्वेस्टर किसी शेयर्स की बाई करता है किसी शेयर्स को सेल सेल करता है आपके ऊपर उसका कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जी हाँ दोस्तों तो ये तो रही बात तेजस नेटवर्कस की दूसरी कंपनी एफ इंडिया के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा एफ एल इंडिया कि एक मल्टी बैगर शेयर है जिसने कि अभी हाल ही में अपना स्टॉक स्प्लिट भी दिया है दस रुपये की फेस वैल्यू को यहाँ पे दो रुपए की फ़ेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है यानी कि शेयर होल्डर की लॉटरी लगा दी है एक शेयर के बदले पांच शेयर यहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए दिए हैं अगर स्टॉक की एफ इंडिया की आर देखी जाए तो थर्टी की है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है फोर्टी की है प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के अंदर जबरदस्त है एक प्रतिशत का और कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है 66 परसेंटेज का वहीं डेट की अगर बात करें तो 119 करोड़ रुपए का यहां पे डेट है कंपनी के पास वहीं प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो 60 परसेंटेज के करीब जो है प्रमोटर की होल्डिंग है यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है छोटे छोटे अदर कंपनीज़ को के के लिए के लिए ट्रांजैक्शन करने के लिए मोबाइल एडवर्टीजमेंट के थ्रू एफ एल इंडिया लिमिटेड जो कि एक जबरदस्त कंपनी है बहुत ऊंचे इसके टारगेट मिल रहे हैं जी हां दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में एफ एल इंडिया ने जैसे ही स्टॉक स्प्लिट एक्स हुआ था यानी कि एक्स टॉक स्प्लिट हो गया तो ये शेयर जो है अपर सर्किट में आ गया है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए मैं तो कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बाय ऑन डिप्स का मेथड इस तरह के शेयर्स में आप लोग अपना सकते हैं अगर आप लोग देखेंगे तो सुमित बगाड़िया जी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं चॉइस ब्रोकिंग में वो कहते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट उन्होंने दिए हैं बारह से लेकर 1300 तक के जी हाँ दोस्तों बारह से लेकर तेरह सौ तक की के शॉर्ट टर्म के टारगेट दे रहे हैं लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के टारगेट बहुत ऊपर हैं शेयर के विद इन एस ईयर ये शेयर जो है आठ हज़ार रुपये तक पहुंच सकता है ऐसा फॉरकास्ट किया जा रहा है और पाँच सालों के दौरान ये शेयर जो है सत्रह हज़ार नौ सौ अट्ठारह रुपये तक पहुंच सकता है ऐसे अलग अलग एजेंसीज जो हैं बता रही हैं गूगल के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इजीली मिल जाएगी तो एफ एल इंडिया एक मल्टीपैकर शेयर काफ़ी पहले से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ और अब फिर से बता रहा हूँ ये शेयर एक मल्टीपैकर शेयर है हमेशा आप लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं अब उस कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा जो कि छोटी सी कंपनी है और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए बोनस और डिविडेंड दोनों चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र फिफ्टी एट करोड़ रुपीज़ का है आर देखेंगे तो एटी एटीन परसेंटेज का रिटर्न ऑन इक्विटी ट्वेंटी सिक्स परसेंटेज का और दस रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे एक सौ एक प्रतिशत की है और डेट कंपनी के अंदर ग्यारह करोड़ रुपए का है अगर कंपनी का नाम आप लोगों को बताऊं इंडो यूएस बायोटेक लिमिटेड है जो कि सीड्स की मैन्यू सीड्स की प्रोडक्शन करती है डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स के लिए ये जितने भी जो हमारे घर में खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें कॉटन हुआ जैसे वो प्रोडक्ट की लिस्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा शेयर के अंदर यहाँ पे अपर सर्किट लग रहे हैं क्योंकि अपने शेयर होल्डर किसने लॉटरी लगाती है डिविडेंड के साथ साथ ये कंपनी बोनस भी दे रही है और सोमवार को भी यहाँ पे अपर सर्किट लगने के चांसेस है लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा ये जो शेयर है लॉट साइज़ में ही आप लोगों को मिलेगा पिछले एक साल के दौरान तिरानवे प्रतिशत के रिटर्न्स कंपनी ने दिए अपने शेयर होल्डर के पैसों को डबल कर दिया और कंपनी का देख लीजिए इंडो यूएस बायोटेक लिमिटेड इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स के सीड और यहाँ पे देखेंगे अलग अलग तरह के सीड्स ये कंपनी जो है क्या करती है प्रोड्यूस करती है पूरे मार्केट के लिए जी हाँ दोस्तों तो इंडो यूएस बायोटेक लिमिटेड यस्टरडे यानी कि 9 अक्टूबर के दिन इसकी बोर्ड मीटिंग हुई है और बोर्ड मीटिंग में जो है धमाकेदार न्यूज़ निकल के आई है सबसे पहले सौ रुपये से भी सस्ता ये शेयर है और इस कंपनी ने 0.25 पैसे का जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया है अब आप कहेंगे ये तो बड़ा अमाउंट नहीं है लेकिन अब आप लोग देखेंगे जिन शेयर होल्डर के पास इसके लाखों करोड़ों में शेयर होंगे उनको कितना बेनिफिट होगा तो दूसरी चीज़ इस कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया ये तीन नंबर पैरा आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तीन नंबर तो देखेंगे वन इंस टू फाइव के रेशियो में कंपनी ने बोनस भी दिया है यानी कि जिन शेयर होल्डर के पास इस कंपनी के पाँच शेयर होंगे उनको एक शेयर फ्री में मिलेगा और टोटल छः शेयर ये हो जाएंगे तो बोनस और डिविडेंड दोनों कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर जो आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ लॉट साइज़ में ये शेयर आप लोगों को मिलेगा लॉट साइज़ में मिलेगा तो 1250 शेयर्स एक बार में आप लोगों को या तो बाय करने होंगे या सेल करने होंगे ये इसकी क्वांटिटी का लॉट साइज है क्योंकि जो छोटे शेयर्स होते हैं वो एस शेयर्स कहलाते हैं और एस शेयर्स लॉट साइज़ में ही मिलते हैं एक कमेंट जो यहाँ पर देखेंगे आप लोग इन कमेंट का रिप्लाई भी देना चाहूँगा जैसे नवनीत गौर जी हैं इन्होंने पूछा था कि ये जो एस शेयर होते हैं इनके अंदर लॉक इन पीरियड होता है क्या तो क्लियर कर देना चाहता हूँ लॉक इन पीरियड बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पे ये भारतीय एक्स जी हैं इन्होंने कहा कि आई पी अलॉटमेंट के बाद इजीली सेल कर सकते हैं क्या एसएमई शेयर्स को तो सेल करना और बाय करना किसी भी शेयर्स को डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है इजीली सेल हो जाए अगर वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो सेल नहीं हो पाएगा अगर वहाँ पे लोअर सर्किट लग रहे होंगे जो नॉर्मल शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वैसे ही एसएमई शेयर्स की भी ट्रेडिंग होती है जस्ट यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है कि एसएमई शेयर्स लॉट साइज में होते हैं जी हाँ दोस्तों तो आज के इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचानी थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे शेयर्स और कैसा लगा ये वीडियो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद